चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और स्टेट इलेक्शन वॉच के मुताबिक महाराष्ट्र हरियाणा में जिन विधायकों को दोबारा टिकट मिला है उनकी संपत्ति पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में ऐसे 192 विधायक हैं जिनकी औसत संपत्ति पिछले चुनाव में लगभग 12 करोड़ थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 20 करोड़ पहुँच गई है। वहीं हरियाणा में दोबारा टिकट पाने वाले 62 विधायकों की औसत संपत्ति 2014 में 11 करोड़ थी, जो इस बार बढ़कर 14 करोड़ हो गई है। विधायकों की संपत्ति के बारे में एडीआर की इस रिपोर्ट में और क्या है, गो न्यूज संवाददाता अंजलि ओझा बता रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और 24 अक्टूबर को परिणामों की घोषणा है। वो विधायक जिन्होंने 2014 में भी चुनाव लड़े थे इन दोनों राज्यों में और इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे सभी विधायकों की संपत्ति में बढ़त दर्ज की गई है पिछले 5 वर्षों में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में 192 ऐसे विधायक हैं जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम इनकी संपत्ति की तरफ देखें तो जहां पे 2014 में इन विधायकों की औसत संपत्ति 12.09 करोड़ रुपए थी, वहीं पे बढ़ करके 2019 में 20.95 करोड़ रुपए हो गई। औसतन 8.86 करोड़ रुपए की बढ़त इन सभी विधायकों की और संपत्ति में दर्ज की गई, वहीं पे लगभग 73% की बढ़त दर्ज की गई है। अगर हम दलों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, 87 ऐसे विधायक हैं जो कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां 2014 में इनकी संपत्ति 14 करोड़ रुपए के लगभग थी, वहीं पे 2019 में इन विधायकों की संपत्ति बढ़ करके 25 करोड़ रुपए के लगभग हो गई है। वहीं पे सहयोगी शिवसेना की तरफ अगर हम देखें तो 47 ऐसे विधायक हैं जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ की 2014 में 7 करोड़ रुपये औसत संपत्ति थी, वहीं पर 2019 में बढ़ करके इनकी संपत्ति 14 करोड़ रुपये हो गई। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के भी जो विधायक चुने गए थे पिछले बार उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। कांग्रेस के 23 विधायक हैं जो कि दूसरी बार इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में इनकी औसत संपत्ति 8 करोड़ रुपए के लगभग थी, जो कि बढ़ करके 2019 में 13 करोड़ रुपए हो गई। वहीं पे एनसीपी के 22 विधायक जो कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उनकी संपत्ति औसतन 9 करोड़ रुपए थी, 2014 में वो बढ़ करके 17 करोड़ रुपए हो गई है। अगर हम हरियाणा की तरफ नज़र डालें तो इजाफा थोड़ा कम है संपत्ति में, लेकिन इजाफा है। 62 ऐसे विधायक हैं जो कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। औसतन 2014 में इनकी संपत्ति 11.32 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़ करके 2019 में 14.95 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि औसतन लगभग 3.62 करोड़ रुपए की का इजाफा हुआ इन सभी की संपत्ति में। वहीं पे लगभग 32% की बढ़त दर्ज की गई है। अगर हम दलों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसके 39 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पे 2014 में 7.31 करोड़ औसत संपत्ति थी इनकी, बढ़ करके इस बार 10.58 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं पे कांग्रेस जो कि विपक्ष की पार्टी है, उसके 17 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी औसत संपत्ति 2014 में 15.94 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ करके 2019 में 18.99 करोड़ रुपए हो गई। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।